छोटा सा पहाड़ी राज्य हिमाचल कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। हर शख्स खुद को सुरक्षित रखने में लगा हुआ है। सरकार और प्रशासन के लोग कोविड से निपटने के लिए सभी इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में लाइफ टाइम्स टीवी की टीम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पंचायत विजयपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं और कोविड की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची। बिलासपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसी विजयपुर पंचायत की कुल आबादी 1300 के करीब है, जिसे 5 वार्डों में बांटा गया है। पिछले साल इस पंचायत में 3 मामले आए थे, वहीं इस साल सिर्फ 9 मामले आए हैं और सभी पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। जेपी नड्डा की पंचायत विजयपुर के प्रधान सतीश धीमान बताते हैं कि कोविड महामारी के दौर में हर दूसरे तीसरे दिन जेपी नड्डा और उनकी धर्मपत्नी मलिका नड्डा उनसे फोन पर सारी रिपोर्ट लेते हैं। पंचायत में कितने लोग पॉजिटिव हैं और कितने लोग ठीक हो चुके हैं, इसकी सारी जानकारी वे लेते हैं। पंचायत के लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत होने पर उन्हें या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को समस्या बता सकते हैं। बता दें कि जेपी नड्डा ने अपने बेटे हरीश को अपनी पंचायत और जिला के लोगों की सेवा के लिए भेजा है। हरीश बताते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि बेहद अच्छा कार्य कर रहे हैं। वे खुद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के संपर्क में हैं। यहाँ पर अगर किसी भी परिवार को मदद की जरूरत है तो वह हर संभव मदद करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। यहाँ के मैं पंचायत के लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनमें बहुत ज़्यादा जागरूकता है और कोविड को लेके सारे प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। जो यहाँ के प्रधान और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हम लोग और हमारा परिवार उनसे लगातार टच में है। प्रशासन के पूरा सहयोग मिल रहा है, किसी प्रकार की टेस्टिंग हो, किसी को समस्या हो, प्रशासन और CMO लेवल से सब लोग पूरा योगदान दे रहे हैं। इसी कारण से फर्स्ट वेव में भी हम पंचायत में केसेस को लिमिटेड रखने में सक्रिय रहे थे और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी लोगों की जागरूकता के माध्यम से और सब लोग ईमानदारी से प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं तो हम इस बार भी इस वेव में भी अपनी पंचायत को सुरक्षित रख पाएंगे। और मैं सभी लोगों का इस चीज में जो योगदान दे रहे हैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पंचायत के प्रधान सतीश धीमान बताते हैं कि पंचायत ने अपने स्तर पर ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्ति को कोविड रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। बिना रिपोर्ट किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया है। चला हुआ है बहुत जोरों पे, अभी तो इसमें जो है हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे क्या है, कहाँ बाहर से कोई ऐसे कोई कोविड जो पॉजिटिव बंदे आ रहे हैं उनका हम जो है कोविड रिपोर्ट वगैरह नेगेटिव रिपोर्ट के बिना उनको मान्य नहीं कर रहे हैं। तो हम जैसे यहाँ का अपना एक अपने लेवल पे टीम का गठन वगैरह किया है तो उनसे हम नेगेटिव रिपोर्ट लेते हैं और हमारी टीम में जो है वो हर अपने अपने वार्ड में जो है वो एक्टिव है। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जी सर हमारे रिस्पेक्टिव नड्डा जी जो है वो हफ्ते में या तीसरे दिन जो है डायरेक्ट हमसे बात करते हैं। मैडम मलिका नड्डा जी भी हमारे से बीच बीच में संपर्क में हैं और फीडबैक ले रहे हैं कि हमारी पंचायत में कैसा क्या कंडीशन है, कैसी स्थिति बनी हुई है इस कोविड जो महामारी चली हुई है सर। तो अभी तो हमारी जैसे 1300 के करीब हमारी पॉपुलेशन है अपनी विजयपुर पंचायत की सर। तो पिछले साल भी हमारे यहाँ वैसे ठीक रहा, काफी अच्छा रहा सर। तो पूरी पंचायत में जैसे हमारे 5 वार्ड हैं तो 5 वार्डों में सिर्फ 3 ही कोरोना पेशेंट थे और वो बड़े ही कम समय में सर वो जो है वो रिकवर हो गए थे सर। और इस बार जो है हमारे पास जो है 10 और 11 पेशेंट है सर 5 वार्डों में। तो वैसे उनका भी अभी ट्रीटमेंट चला हुआ है सर और जैसे हम उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमारे वार्ड मेंबर्स वगैरह मैं खुद मेरे सेक्रेटरी साहब और साथ में जो है हमारी आशा वर्कर और हेल्थ की टीम जो है समय समय पर जो है उनका जो है ध्यान रखती है, उनको दवाई वगैरह प्रोवाइड कर रही है और उनको कोई राशन वगैरह की कोई समस्या आती है सर तो उसके लिए हमने एक अलग से एक वॉलंटियर्स टीम का गठन किया हुआ है कि वो और सबसे पहले उनके भी मैंने एक अपने अपना रैपिड टेस्ट करवा रखा है और जैसे भी कोई मार्केट से सामान लेना हो, खाद्य सामग्री लानी हो सर तो उसके लिए जो है वो उन्हीं से सेवाएं ली जा रही है सर। डिमांड कैसा है, हमारी डिमांड है हमारे बोलने से पहले ही पूरी कर देते हैं।
मैडम जी वो खुद मतलब वो हमारा फीडबैक ले रहे हैं और जैसे बीच में पूछते हैं हमारे को कि हाँ प्रधान जी आपको किस चीज की कोई ऐसी समस्या आ रही है इसमें, तो पीछे थोड़ी सैनिटाइजेशन की समस्या आई थी तो उसके लिए भी उन्होंने हमारी हेल्प की, सैनिटाइजर वगैरह का हमारे को प्रोवाइड किया। और जो भी हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए सर उनके लिए हमने अपना जैसे घर घर जाकर जो आया उनको जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट थे उनके घरों को हमने सैनिटाइज किया सर। झंडुता बीएमओ डॉक्टर अरविंद टंडन का कहना है कि विजयपुर पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की टीम का अधिक फोकस है। हालांकि इस पंचायत में सबसे कम कोविड के मामले सामने आए हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी के चलते इस पंचायत में आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स सहित समय समय पर जागरूकता गाड़ी को प्रतिदिन भेजा जाता है जो लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग का मतलब कोविड 19 के विषय में बात कर रहे हैं, तो कोविड 19 को लेते ही लेकर शुरू से ही वहाँ पे हमारी जो आईसी एक्टिविटीज हैं, जो प्रचार प्रसार है, वो हमारे हेल्थ वर्कर्स, एमओज, आशा वर्कर्स और इवन आंगनबाड़ी की मदद से वहाँ पे अच्छा प्रचार प्रसार किया गया। चाहे वो वहाँ लोगों को कोविड के आइसोलेशन के बारे में जागरूकता के बारे में था, और जो भी जो हमारे सिम्टोमेटिक लोग पाए गए उनको वहाँ सैम्पलिंग भी भरपूर मात्रा में की गई। ऑलमोस्ट जितने भी लोगों की वहाँ सैम्पलिंग हुई तो मैक्सिमम लोगों के रिजल्ट नेगेटिव थे, 5-6 लोग उसमें पॉजिटिव भी आए थे, लेकिन एट प्रेजेंट जो अभी हमारे पास कोई भी वहाँ कंटेनमेंट जोन नहीं है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कोविड का कोई भी केस नहीं है। और इसके अलावा कोविड से बचने के लिए जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जो अभियान चला, टीकाकरण का अभियान चलाया है, उसमें हमारे 85-90% लोगों की जो 45 प्लस की उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है वहाँ पे। और जो हमारा अब नया जो अभियान चला है 18 से 44 वर्ष के जो आयु के लोग उनके लिए भी टीकाकरण किया जा रहा है। इवन आज भी हमारे वहाँ पी एस सी पनौल में इसका सेशन हो रहा है, तो उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 80-90% जो लोग जितने सेशन लोगों को एलोकेट हुआ अभी तक वो इंजेक्शन वहाँ लोग लगा चुके हैं। सर भविष्य में अगर मामले वहाँ पर क्षेत्र में बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियाँ? एक तो जैसे मैंने आपसे बात की जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग है, आईसी एक्टिविटी करेंगे, तो इससे अपने आप ही बीमारी काफ़ी कंट्रोल है, और वैक्सीनेशन भी जितनी ज़्यादा लगवाएंगे उससे उतनी ही प्रोटेक्शन है। बाकी जैसे वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा मैं स्ट्रेस करूंगा, जितने हमारे जो वहाँ पीएससी हैं या नियर बाई जैसे वहाँ पे हमारी पनौल पीएससी है वहाँ पे, या दूसरी गेडवी पीएससी है, या ऋषिकेश पीएससी है, वहाँ हर मंगलवार और शुक्रवार को टीकाकरण होता है कोविड 19 का। इसके अलावा जो हमारे सब सेंटर हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जैसे वहाँ पे हमारा रहिया है, फिर हमारा समूह है, बैनाजट्टा है, हीरापुर है, वहाँ पे हर हम सोमवार और वीरवार को इसका टीकाकरण अभियान चलाते हैं। इसके अलावा हमारा जो वहाँ पे आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर है, जैसे हमारा बगेड़ है, हमारा और है, हर बुधवार को वहाँ भी हमारा टीकाकरण का अभियान चला है, और ये इन फ्यूचर भी ये जारी रहेगा। और अब तक वहाँ मतलब लोग काफ़ी जागरूक है, मुझे उम्मीद है वहाँ पे ज़्यादा केसेज नहीं आएंगे और यह एरिया मतलब कोरोना के जो प्रकोप। वही ग्रामीणों का कहना है कि जेपी नड्डा और उनका परिवार उनका तथा गांव का पूरा ख्याल रख रहे हैं, समय समय पर उनका हालचाल पूछते रहते हैं, कोरोना महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेज रहे हैं जो कि बेहद ही सराहनीय कार्य है। जी बहुत अच्छी है जी, दिल की अनेक राम नाम है मेरा, और मैं वैसे ग्राम पंचायत अमरपुर का बसिंदा हूँ, इधर मेरी जगह है, स्थिति अच्छी है। तो को नड्डा जी आपसे संपर्क करते हैं किसी जरूरत को ले, ये बताएं हमें। पड़ोसी है हमारा और भतीजा भी है मेरा, हमारा रिलेशन भी है आपस में ना, पड़ोस के नाते। बाकी ठीक, कोविड का अगर कोई मामले आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे सुविधाएं हैं? ये वैसे ऐसे बताते हैं कि अपने बचाव के लिए मास्क लगा करके चलो और एक दूसरे के संपर्क में न जाओ और 3 फुट की दूरी बना करके रखो, उसका जो भी नियम है उसके मुताबिक हम अपना रहन सहन करते हैं। पूरे पर जाना हो अगर बाजार में तो लगाते हैं। गाँव विजयपुर से हूँ और हमें बहुत गर्व है कि जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे गाँव से ही हैं, और जब भी वो आते हैं तो हमारी मतलब पूछते हैं हमें कि कोई किसी चीज की दिक्कत है कि या नहीं। तो अभी बस तरह से कोई दिक्कत है कोई कोविड को लेके? हाँ जी, नड्डा जी संपर्क में रहते हैं, उनकी वाइफ मल्लिका नड्डा जी वो भी यहाँ पे आते हैं और सभी के संपर्क में रहते हैं।
मतलब पूछते हैं कि किसी चीज की परेशानी हो तो हमें बताएं आके। तो यहाँ पे मामले कम है या ज्यादा है, क्या आप मैसेज देते हैं? यहाँ पे मतलब COVID-19 के मामले बहुत ही कम है, लोग अपने घरों से बाहर मास्क के बगैर नहीं निकलते हैं, समय समय पर हाथ धोते हैं। मेरा नाम सरला कुमारी है, नड्डा जी के घर के पास ही हमारा घर है और मतलब हमारी सुविधा सारी ठीक है यहाँ पर, और हम जो COVID-19 के नियम है उनका पालन कर रहे हैं, सभी मास्क के बिना कोई नहीं बाहर निकलता घर से। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपको क्या यहाँ पे सुविधा दी जा रही है? ठीक है, जो मतलब हमें जरूरत की चाहिए सुविधा वो ठीक है, मिल रही है हमारे यहाँ किसी चीज की। नड्डा जी, मल्लिका नड्डा जी आपके संपर्क में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब वो आते हैं तो हमसे मिलते हैं, यहाँ ठीक जो भी है पूछते हैं, कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी। अभी तक कोरोना काल में लेकर कोई दिक्कतें आई हो आपको? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है सर। लाइफ टाइम्स टीवी डेस्क की रिपोर्ट। नहीं आएगी? आएगी, इस मौसम में तो नहीं आएगी। जरूर आएगी, लगी शर्त, एक महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स। आ गई गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील, कभी भी कहीं भी। बुक योर सर्विस नाउ।